नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बासनी, तिगावा, नागल, सालिया, पाटन, अहिर, फतियाबाद, गुणसार, इकरोटिया, सारणबास, खेड़ा, दौलतपुर में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। इस जनसंपर्क के दौरान काफी भीड़ केंद्रीय मंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखी। भूपेंद्र यादव ने तब सबके विकास किया। आज भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि देश का विकास कर मोदी जी ने सब तबके का विकास किया। आज गरीब जिसका कोई सहारा नहीं था, उसका सहारा मोदी जी हैं। 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन देना कोई आम बात नहीं है। उज्ज्वला योजना, गरीब आवास योजना से गरीब आज मान सम्मान के साथ जीवन जी रहा है। मोदी जी देश की आन बान और शान है। किशनगढ़ बास विधानसभा में भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्ग, व्यापारी, युवा, महिला और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। कांग्रेस 70 सालों में जो स्थापित नहीं कर पाई वह मोदी सरकार ने देश में किया है। किशनगढ़ पास विधानसभा में पानी की समस्या और अन्य जरूरी कामों की जरूरत बताते हुए उसका पूरी तरीके से समाधान कराने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 45,000 करोड़ की ERCP योजना के लिए अलवर में पानी की समस्या का हल करने की बात कही। उन्होंने कहा आज भाजपा का मैनिफेस्टो भी घर घर जल, नल से जल का संकल्प लिया गया है। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। उन्होंने कहा विकास में वो कोई कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य योजना का उल्लेख किया, जिसमें भाजपा में सबका साथ, सबका विकास, सब संकल्प सिद्ध होता है। उन्होंने कहा भाजपा का संकल्प पत्र पूरा होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आज देश को नेतृत्व की जरूरत है जो हर वर्ग का विकास कर सके, और कोई नहीं सिर्फ मोदी जी हैं। मोदी जी के नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व मानता है। गरीब लोगों का हक नहीं छीना जाता बल्कि दिया जाता है। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से आया फंड कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उसका हिसाब लिया जाएगा, जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। अलवर की समस्या को दूर करना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अलवर की आवाज बनकर मैं संसद में जाऊंगा। आपका भाई, आपका बेटा अलवर की आवाज को बुलंद करेगा। विशेष चुनाव है। पहले जब चुनाव होता था तो हम चौपाल पर चर्चा करते थे कि किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार जाएगी। अब एक चीज का पता है कि सरकार मोदी जी की आएगी। इसके पीछे कारण कि राजनीति अब ये बदल रही है। लोग ये नहीं चाहते कि एक को खाड़े या दूसरे को फेंके। लोग ये चाहते हैं कि जो भी आए वो ऐसा विकास का काम करे उसको दोबारा से मौका दे। अब गवर्नेंस की राजनीति आएगी। तो कांग्रेस अपने आप में जो राजनीति का खेल खेलते हैं उसके बाद नहीं आती। कांग्रेस की राजनीति अपना प्राय की राजनीति की रहती है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कल मैंने दिल्ली में किसी पत्रकार को पूछा, तुम्हें राहुल गांधी अमेठी रायबरेली की चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? उनकी तो परिवार की सीट है, उनके साथ लड़ेंगे तो सही, पर अभी सबसे फैसला केरल के वायनाड से लड़ रहे हैं। तो पहले तो वायनाड वालों के वोट देखेंगे कि तुम्हारा एमपी बनूंगा, उनके वोट पड़ जाएंगे तो आ जाएंगे मैं अमेठी में लड़ूंगा। आप समझ लो कांग्रेस की राजनीति सिर्फ सिर्फ कुल मिलाकर लोगों के वोट देने की राजनीति है। अब कांग्रेस ने भारत रत्न का पुरस्कार तो कांग्रेस के समय में तय हुआ, लेकिन कांग्रेस ने भारत रत्न केवल अपने परिवार में लेके रखी। सच में भारत रत्न और बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे दलित भाई जी बैठे होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न जब मिला जब कांग्रेस चली गई, और चौधरी चरण सिंह जी को और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का मिला कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस के रहते हुए गांधी परिवार से आगे देश नहीं। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं